मायावती बेस पे सुप्रीमो ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि कांग्रेस अपनी 1000 बसें पंजाब और चंडीगढ़ भेजें। प्रियंका गांधी ने 1000 बसें चलाने की मांग की थी, अनुमति मायावती ने ट्वीट करके ये कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी बसें अपने उन राज्यों में चलाएं जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, पंजाब और चंडीगढ़ में भेजें कांग्रेस पार्टी। मायावती ने कहा, ये ट्वीट देखते हैं। मायावती ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि जैसा कि विवादित विदित है कि बीजेपी शासित राज्यों में प्रवासी मजदूरों की लगातार हो रही घोर उपेक्षा आदि के कारण काफी श्रमिकों के परिवारों को आए दिन दुर्घटना का शिकार होना पड़ रहा है, जिसमें अभी तक इनकी काफी दर्दनाक मौतें भी हो चुकी हैं, जो कि अति दुखद है। उसके बाद मायावती आगे लिखती हैं, जबकि इससे कांग्रेसी नेताओं को भी सबक सीखना चाहिए, क्योंकि पंजाब और चंडीगढ़ से काफी प्रवासी यूपी के मजदूर लोग सरकार की अनदेखी और उपेक्षा के वजह से यमुना नदी के जरिए घर वापसी कर रहे हैं, जिनके साथ कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। आगे लिखती हैं मायावती, ऐसे में बेहतर होगा कि कांग्रेस पार्टी अपनी 1000 बसें उत्तर प्रदेश भेजने के बजाय उन्हें पहले पंजाब और चंडीगढ़ ही भेज दें, ताकि वो पीड़ित श्रमिकगण यमुना नदी में अपनी जान जोखिम में डालने के बजाय सड़क के जरिए सुरक्षित यूपी पहुंच सकें। एक के बाद एक कई ट्वीट किया मायावती ने। आगे लिखा, इसी प्रकार कांग्रेसी नेता दिल्ली में मजदूरों से मिलने के दौरान यदि प्रवासी मजदूरों की कुछ आर्थिक मदद और खाने आदि की व्यवस्था भी कर दें तो उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिल जाती, अर्थात कांग्रेस को उनके दुख दर्द को बांटने के साथ साथ बीएसपी की तरह उनकी कुछ मदद भी जरूर करनी चाहिए।